संगठन द्वारा जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया। उज्जैन जिले के स्वच्छाग्रहियों द्वारा आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्वच्छाग्रहियों द्वारा बताया गया कि वह स्वच्छ भारत मिशन में कई सालों से कार्यरत हैं एवं ग्राम पंचायत के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शासन के द्वारा ग्राम पंचायतों को पत्र के माध्यम से आदेशित किया था कि सभी स्वच्छता ग्राहियों को मनरेगा की मैट के तौर पर लगाया जाए, मगर ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा अभी तक स्वच्छाग्राहियों को ना तो किसी प्रकार का मानदेय दिया गया और ना ही उन्हें अभी तक मैट के तौर पर लगाया गया। इस विषय में आज उज्जैन जिले के 6 जनपदों में स्वच्छाग्रही संगठन एवं सभी स्वच्छाग्रहियों द्वारा जिला पंचायत सीईओ को पूर्व आदेश की कॉपी सहित ज्ञापन सौंपा एवं स्वच्छाग्राहियों को नियमित मानदेय दिए जाने की मांग रखी। इस अवसर पर स्वच्छाग्राही संघ के जिला के सभी स्वच्छाग्राही शामिल हुए। किस मांग को लेकर आपने आज ज्ञापन दिया? आज जिला पंचायत में हमने सभी जिले उज्जैन जिले के सभी स्वच्छाग्राहियों ने जिला सीईओ साहब को एक स्वच्छाग्राही की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी मांगे हैं कि हमने सभी स्वच्छाग्राहियों ने करीब 2014 से स्वच्छाग्राही का कार्य स्वच्छ भारत मिशन में किया जा रहा है और इस अभी वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना में भी प्रत्येक पंचायत में सभी स्वच्छाग्राहियों ने निरंतर पंचायत के अधिकारियों एवं सभी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर कोरोना महामारी के बचाव हेतु कार्य किया गया, किंतु हमारी मांग थी कि और जो प्रदेश सरकार ने भी स्वच्छाग्राहियों को लगातार उनको कहा गया था कि अगर आपको स्वच्छाग्राही से मेट के रूप में आपको पंचायत में नियुक्त किया जाएगा और